दोस्तों आज का वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि कैसे आप अलग तरह से खिचड़ी बना सकते हैं। ये खिचड़ी टोटली अलग है। नॉर्मली खिचड़ी में मूंग का दाल यूज किया जाता है, लेकिन ये जो खिचड़ी है इसमें मैंने मसूर का दाल यूज किया और तड़का लगाने का मेथड जो है टोटली अलग है, लेकिन टेस्ट बढ़िया है। तो ये रेसिपी सीखने के लिए पूरा वीडियो देखिए। देखिए ये तेज पत्ता है और ये जो है ये सूखा मिर्च है, प्याज बड़ा साइज का एक, और लहसुन ऐसे क्रश करके रखा मैंने, और जो है ग्रीन चिली है, अदरक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्लास चावल लिया है और एक चौथाई मतलब दाल, और ये सब सब्जी आप डाल सकते हैं। पत्ता गोभी बड़ा बड़ा करके काटा मैंने, थोड़ा सा बैगन, थोड़ा सा आलू, ठीक है। प्रेशर कुकर मतलब गर्म होने के बाद अब तेल डालिए उसमें, तेल भी थोड़ा समय रखिए गर्म हो जाए। सबसे पहले डालना है सूखा मिर्च, मैंने बीज निकाल के डाला क्योंकि बीज रहने से फटता है, आप बीज भी रख सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। दो तीन इम्पोर्टेंट बात भी बताऊंगा इस रेसिपी का, क्या फायदा है इसमें। लेकिन एक खिचड़ी का जो रेसिपी है पूजा में आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। भोग में जो हम चलाते हैं ना वो पूजा में आप यूज नहीं कर, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन है। मैंने प्याज डाल दिया सबसे पहले, खिचड़ी तो पूजा के लिए भोग में चला जाता है ना। ये देखिए आप जब मैंने तेज पत्ता डाला, प्याज, तेज पत्ता, सूखा मिर्च, आप ऐसे बना के आप घर में आप खा सकते हैं, लेकिन भोग में पूजा में यूज मत कीजिए, क्योंकि ये तो इसमें तो प्याज लहसुन मतलब ही करके एक अलग टेस्ट है, मतलब इसलिए मैंने शेयर कर रहा हूँ। मैंने दो तीन दिन बना के खाया, हाँ इसका टेस्ट अलग है, अच्छा भी लगता है। ये देखिए और पूजा में जो यूज किया जाता है वो 100% वेज होता है, और इसमें मूंग का दाल यूज किया जाता है। अब मैं डाल रहा हूं लहसुन, एक बड़ा साइज का प्याज, लहसुन आधा, लहसुन ऐसे क्रश करके आप डालिए। मैंने छोटा साइज का कांच का ग्लास है, शीशे का छोटा साइज का ग्लास है, एक ग्लास चावल लिया है। अब मैं अदरक डाल रहा हूं, एक ग्लास चावल और दाल का परिमाण आधा से कम, ठीक है। एक ग्रीन चिली मैंने डाला, एक्चुअली 1/4 दाल और चावल का आप मतलब कप से ले या नाप के भी ले है। अगर एक किलो चावल है, आलू डाल रहा हूं मैं, एक किलो चावल तो 250 ग्राम दाल होगा, ये है रेशियो। ये देखिए अब मैं बैगन डाला है, बैगन कटा हुआ, आप कैसे बनाते हैं वैसे हिसाब से। अगर एक किलो चावल है तो 250 ग्राम दाल होगा। तो मैंने एक ग्लास चावल लिया है तो उसके हिसाब से 1/4 एक चौथाई मतलब दाल। अब मैं काटा हुआ पत्ता गोभी, ये देखिए एक चौथाई, आप आधा कप भी ले सकते हैं, तो आधा ही इसका हाफ ले सकते हैं, लेकिन एक चौथाई 1/4 है देसी। दाल इससे कम नहीं, इसमें ना मैंने थोड़ा सा मूंग भी डाल मिक्स कर दिया है, मसूर दाल में थोड़ा सा मूंग भी डाल, और दो तीन प्रकार दाल से आप बना सकते हैं। मैंने जो बोला ना इम्पोर्टेंट बात, ये देखिए ये जो खिचड़ी का ये जो रेसिपी है ना, आप तीन चार प्रकार के दाल से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए एक नंबर बात मैंने बता दिया, पॉइंट नंबर 1, ये जो चावल है ये बासमती का ब्रोकन राइस है, टूटा हुआ जो बासमती हाँ, तो वो है। तो बासमती चावल ये एक्चुअली पक्का चावल ही होते हैं। पक्का और कच्चा का मतलब क्या है,
पक्का चावल वो होता है सिद्ध चावल बोलते हैं, और कच्चा होता है जो आतुप चावल होते हैं वो, ठीक है। एर जो खिचड़ी का रेसिपी है, आप दोनों चावल से आप बना सकते हैं, कच्चा हो पक्का हो। अब नमक मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच मैं नमक डाल दिया। अब मैं अलग अलग मसाला डालूंगा, ये मैं धनिया पाउडर डाल रहा हूँ, अब डाल रहा हूँ जीरा पाउडर, आप सूखा मिर्च पाउडर सब 1 चम्मच करके डाल रहा हूँ, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, ये सब डालने के बाद अब करना होगा मिक्स्ड। मैं मिक्स्ड कर रहा हूँ, देखिए ऐसे ऐसे मिक्स कीजिए, फिर ऐसे करके पलटना है, फिर ऐसे मिक्स करना है। जब तक पानी सूख ना जाए तब तक आप रखिए, हल्का फ्राई मतलब करना है। वेजिटेबल्स आपके हिसाब से आप बना सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी नहीं, ठीक है। मटर जो होता है ना वो भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी नहीं, थोड़ा बहुत आप डाल सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 1 है दाल और चावल का रेशियो। अगर 1 किलो चावल है तो 250 ग्राम दाल, हाँ, आप मसूर दाल भी हो सकते हैं, और उसको आप 2-3 प्रकार के दाल मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कितना होगा 250 ग्राम, 1 किलो में 250 ग्राम, ये है रेशियो। एक हो गया दाल और चावल का। उसके बाद कच्चा चावल हो पक्का चावल हो, कोई भी चावल से आप एक खिचड़ी का रेसिपी बना सकते हैं। 2 पॉइंट नंबर 3 आप वेजिटेबल्स भी इसमें डाल सकते हैं, 2-3 प्रकार वेजिटेबल्स आपके हिसाब से डाल सकते हैं। पानी का रेशियो क्या है, हम लोग जैसे चावल बनाते हैं चावल से ज्यादा इसमें पानी डालना पड़ता है, खिचड़ी में पानी ज्यादा, ठीक है। मैंने इसमें 5 गिलास मतलब पानी डाला है, और ग्लास छोटा साइज का है। ये देखिए चावल में, चावल बनाते समय हम लोग जितना पानी डालते हैं उससे ज्यादा, खिचड़ी में पानी ज्यादा यूज करना पड़ता है, ठीक है, चावल से ज्यादा। चावल बनाते आप जैसे जितना डालते हैं, मतलब 1 गिलास मतलब अगर चावल है तो डबल से ज्यादा तो आपका डालना ही पड़ेगा पानी। अब सिटी मतलब मिनिमम 5 से अब ज्यादा सिटी चावल डाल सकते हैं। चावल में हम कितना सिटी देते हैं, 3 लगाते हैं, 3 सिटी, इसमें हम 5 सिटी लगाए। ये देखिए खिचड़ी मैंने ओपन हो गया है प्रेशर कुकर, जब ऑटोमेटिक खोल जाए प्रेशर कुकर तभी यही करना है, पहले आप मत खोलिए। ये देखिए खुलने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। ये देखिए मेरा जो खिचड़ी मसूर दाल का खिचड़ी बन के तैयार, ऐसे करके आप बना सकते हैं। एक दिन बना के टेस्ट कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कभी कभी बना सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आया, अगर आपको अच्छा नहीं लगा टेस्ट तो आप मत बनाइए, एक दिन आप बना सकते हैं, एक दिन बना के देखिए कैसा लगता है। मेरे को तो अच्छा ही लगा, मैं कभी कभी बनाता हूँ ऐसे, और जल्दी जल्दी हो जाता है, फटाफट करके एक दिन में हो जाता है, इसके साथ कोई भाजी वजी हो बस हो जाता है, अच्छा लगता है। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो पूजा स्पेशल वो अलग प्लेलिस्ट, वेज का अलग, नॉन वेज का अलग, स्नैक्स का भी अलग, और हेल्थ के ऊपर भी मैं रेसिपीज डालता हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम रखा है मैंने हेल्दी वर्ल्ड। तो आप प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो देख सकते हैं, थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।